आज हम इस वीडियो में सर्कमसर्किल का रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है जब ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स गिवन होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने टॉपिक क्या लिख दिया कि मेथड इसके लिए फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कमसर्किल इफ गिवन ऑल साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कोई ट्रायंगल मान लेते हैं। ये मैंने ट्रायंगल माना ए बी एंड सी। अब जैसे कि मैंने यहां लिखा कि इफ गिवन ऑल साइड देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, तो इसकी ऑल साइड्स को हम मानते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ए बी से लिखने का मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था ट्रिक कैसे करते हो, क्या मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये ए एंगल है इसके अपोजिट जो साइड होगी उसे स्मॉल ए मानोगे और ये बी एंगल है इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसे स्मॉल बी मानोगे और जो सी एंगल है उसके अपोजिट जो होगी स्मॉल सी एंगल। समझना है स्मॉल ए बी सी क्या है साइड्स है और कैपिटल ए बी सी क्या है ये एंगल। अब हमें क्या करना था भाई, एक सर्कम सर्किल बना। सर्कम सर्किल का मतलब क्या था कि इसके जो वर्टिसेस हैं वर्टिसेस से पास करती हुई एक हमें सर्किल बनानी। तो कैसे बनाते हैं उससे मैटर नहीं करता क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया ऐसे सर्किल बना दिया ए। अब हमें इसका रेडियस पता करना है। तो सपोज कर लो कि ये सेंटर मैंने मान लिया और रेडियस ये मान लिया कैपिटल आर। इसके प्रीवियस वीडियो में इन सर्किल का जब रेडियस निकाला था तो मैंने उसे स्मॉल आर मान लिया, ये कैपिटल आर मान लिया। कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑन दिस ट्रायंगल एबीसी। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स जब साइड्स पता हो तब के लिए कहता है कैपिटल आर आपका क्या है ये याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। तो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इट मींस ए बी सी एंड डिवाइड बाय 4 इनटू दिस डेल्टा। डेल्टा क्या है समझ जाओ, मैं यहां पूरा लिखता कि 4 इनटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहां जो डेल्टा है वो समझ जाइए क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये चीज समझ में आ गई। और उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला क्या है ऐसे आप लिखते थे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या होता था स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ, एस मीन्स सर्कम सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू यानी ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय टू देन दिस कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। और यहाँ उसी का यूज करके यानी ये जो यूज किया है वो हीरोज फार्मूले का यूज किया है हम एरिया निकालेंगे। तो अब आइए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल 13 बी इक्वल 14 सी इक्वल 15 देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, याद है स्टूडेंट्स एबीसी जब गिवन होगा तो उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप फॉलो करोगे। वैसे कुछ भी है आप फार्मूला जानते हो आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी की वैल्यू पता है आगे डेल्टा निकाल देते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल दो। तो एस इज इक्वल टू जो आएगा यहाँ 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई क्या लिखोगे 2। तो कितना आएगा 8 का 42 आएगा 42 बाई 2 तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालो डेल्टा इज इक्वल टू हीरोज फार्मूले का यूज करो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू यहां कितनी आई थी 21 आई थी तो लिख लो 21 एंड 21 माइनस 13 फिर लिखोगे 21 माइनस कितना 14 फिर 21 माइनस 15। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 21 माइनस अगर 14 पहले लिख दिया तो क्या गलत हो गया, नहीं भाई इनमें से किसी को पहले लिख दो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा रूट 21 इंटू 21 माइनस 13 मीन्स कितना याद आएगा 8।
ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। सॉल्व करोगे, इसके प्रीवियस वीडियो में सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, एरिया निकाला था, तो आपका कितना आया था 84 आया, तो उसका एरिया भी 84 आएगा। वो आप कंप्लीट स्क्वायर करके निकाल दोगे, उसमें कोई डाउट है नहीं, जिसको डाउट है वो प्रीवियस वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। 84 हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया, r इज इक्वल टू, बट r याद रहे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, r इज इक्वल टू a की वैल्यू है 13, b की वैल्यू है 14, c की वैल्यू 15, डिवाइड बाई 4 इंटू 84 हो गया। कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल कर लो, नहीं हो रही है मत करो, हो जाएगा कैंसिल, तो आगे कर लेते हैं। 3 5 15, 3 2 6, 3 8 24, ये भी 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, या 14 1 14, 14 2 28, तो अब आंसर क्या आ गया, 13 5 65 एंड डिवाइड बाय 8। तो यहां जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल आया वो आंसर क्या आ गया, 65/8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि जब किसी भी सर्किल का ऑल साइड्स गिवन होता है तो उसके रेडियस ऑफ इन सर्किल प्रीवियस वीडियो से और रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल इस वीडियो से आप सीख गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हाँ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए, हम उम्मीद कोशिश करेंगे कि आपकी वो जो भी मिसेज हो वो हम पूरी कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।